28 सितंबर को शेख हसीना वाजिद की सालगिरह थी और शायद आपने ये खबर सुनी हो कि ढाका में उनकी तस्वीर को जूतों के हार पहनाए गए, लेकिन शायद पूरी खबर आप तक ना पहुंची हो, इसलिए मैं इस विलॉग में पूरी खबर भी आपसे शेयर कर रहा हूं। और एक रिक्वेस्ट भी करनी है, वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने में हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपके ख्याल में ये चैनल इस सिलसिले में क्या कर सकता है? आप इस पर इस हवाले से किस किस्म की वीडियोस देखना पसंद करेंगे, ये जरूर हमें बताइए। हमें आपकी तजावीज की जरूरत है। और अब आते हैं खबर की तरफ। शेख हसीना के दौरे हुकूमत में उनकी सालगिरह बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी, कसीदे पढ़े जाते थे और बहुत कुछ। इस दफा उनके आबाई शहर गोपालगंज की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने उनकी सालगिरह मनाई, केक काटा और उनके हक में भी नारे लगाए और उनके मुखालिफीन के खिलाफ भी नारे लगाए। दूसरी तरफ ढाका में शेख हसीना की तस्वीर को जूतों के हार भी पहनाए गए और ढाका यूनिवर्सिटी में तलबा ने शेख हसीना की तस्वीर पर जूते फेंकने का कॉन्टेस्ट मुनक्किद किया, जिसमें सही निशाना लगाने वालों को कोल्ड ड्रिंक भी पेश की गई। उस मौके पर मौजूद नौजवानों में से एक ने कहा कि ये एक पैगाम है, जो भी हुकूमत में आए वो सही तरह से हुकूमत करे, अगर वो इसके बरअक्स करेगा तो हम उसे इस्तीफा देने पर भी मजबूर कर देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो जूते भी मारेंगे।